कहानी नंबर 28। उत्तम आर्जव। एक बार एक राजा के कोई बेटा नहीं था। जब वह बीमार होने लगा तो उसे अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने राज्य के सभी युवकों को महल में इकट्ठा करवाया और उन सभी को एक एक बीज देकर कहा कि वे सभी युवक उन बीजों को बोएं और ठीक एक साल बाद उस बीज से उगे पौधों को लेकर आएं। तब मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करूंगा। सभी युवक बीज लेकर घर गए और अपने अपने बीजों को खाद पानी देने लगे। लेकिन 3 हफ्ते बीतने के बाद भी जहां दूसरे युवकों के गमलों में पौधे बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक के बीज में अंकुर भी नहीं फूटा था। इसी तरह पूरा साल बीत गया और वह दिन भी आ गया जब सबको राजा के सामने उपस्थित होना था। सभी युवकों के गमलों में रंग बिरंगे फूल दिख रहे थे, लेकिन उस एक युवक का गमला अब भी खाली था। उसे लगा कि उसने राजा का दिया बीज बर्बाद कर दिया और अब राजा उसे सजा देंगे। लेकिन तभी राजा उसी युवक को अगला राजा घोषित कर देता है और बताता है कि साल भर पहले उसने सभी को उबले हुए बीज दिए थे जिनसे पौधे होना असंभव था। ये आपकी ईमानदारी की परीक्षा थी और जिन्होंने धोखेबाजी और छल किया है वे सभी इस परीक्षा में असफल हो गए। इस कहानी से हमने यह सीखा कि मायाचारी करने वाले जीव को लगता है कि वह दूसरों को धोखा देता है, पर वास्तव में खुद को ही धोखा देते हैं दूसरों को धोखा देने वाले। ध्यान रहे, ईमानदारी और सरलता से धोखेबाजी भी मात खा जाती है और इसी मायाचारी के अभाव में होने वाली सरलता ही आर्जव धर्म है।